इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राज्य सरकार द्वारा तमाम शहरों में व्याज कोरोना त्रास और आर्थिक शोषण में मुक्ति अपावा जरूरतमंदों माटे लोन धिराण मार्गदर्शन कैम्पों आयोजन हाथ धराई रह्यु छे। राज्य सरकार व्याजखोरो सामे कड़क कार्यवाही हाथ धरेली झूंबेश वच्चे हवे आवा लोकोने चुंगल माथी मुक्ति मळे ते माटे बैंकोना सहयोगथी लोन धिराण मार्गदर्शन कैम्पोनुं आयोजन करवामां आवी रह्युं छे। जरूरियातमंद लोकोने लोन मळी रहे अने तेओ व्याजखोरोना चुंगलमां न फसाय ते माटे पोलीस विभाग आगळ आव्यो छे। त्यारे भरूच जिला पोलीस विभाग द्वारा जिल्लामां लोन धिराण मार्गदर्शन कैम्पोनुं आयोजन करवामां आवी रह्युं छे। आ मार्गदर्शन कैम्पना भागरूपे अंकलेश्वर शहर में आवेल शेठना हॉल खाते अंकलेश्वर विभागीय नायब पोलीस अधीक्षक चिराग देसाई की अध्यक्षता हेठ लोन धिराण मार्गदर्शन कैम्पोनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां जिला उद्योग केन्द्र, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों, खानगी बैंकों, महिला अने बाळ अधिकारी कचेरी भरूच, अंकलेश्वर नगरपालिकाना प्रतिनिधिओ उपस्थित रह्या हता अने आ लोन धिराण मार्गदर्शन कैम्पमां मोटी संख्यामां उपस्थित जरूरियातमंद लोकोने विविध लोन तेमज सरकारनी योजनानी लोन अंगे मार्गदर्शन आपवामां आव्युं हतुं, तेमज बैंको द्वारा स्टोल उभा करवामां आव्या हता ज्यां लोकोए लोन अंगे जरूरी मार्गदर्शन मेळवी लोन अंगे रजिस्ट्रेशन कराव्युं हतुं। आ प्रसंगे नगरपालिकाना प्रमुख विनय वसावा, अंकलेश्वर शहर ग्राम्य जीआरडीसी अने शहर बी डिविजन पोलीस मथकना पोलीस अधिकारीओ अने पोलीस कर्मचारीओ हाजर रह्या हता। आजे अलग अलग सात खानगी तथा सरकारी बैंको तथा जिला कुटीर अने उद्योग केन्द्र तथा जिला महिला अने बाळ विभाग की कचेरी अलग अलग जे एमना द्वारा लोकोने सबसिडाइज लोन आपवामां आवती होय छे तेमनी समज बैंकना अने उद्योग अने महिला बाळ अधिकारी द्वारा करवामां आवेल, साथे जिला पोलीस द्वारा पण लोकोने हॉलनी बहार अलग अलग स्टॉल्स बनावी व्यक्तिगत पोतानी डिटेल्स आपी अने लोननी माहिती मेळवी शके एनुं आयोजन करवामां आवेल छे। आ लोन मेळामां અંકલેશ્વર નગરપાલિકા પ્રમુખ વિનયભાઈ વસાવા અને એમની ટીમનો અમને ખૂબ જ સહયોગ મળેલ છે અને જે સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ અને બીજા અલગ અલગ પ્રકારની જે લોન ઉપલબ્ધ થઈ શકે એવી હોય તો એક એમના માધ્યમ દ્વારા અમે આજે કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલ છે। અને સરકાર શ્રીની યોજના હોય છે એટલે એમાં સબસિડીની પણ પ્રોવિઝન હોય છે, એટલે કે આપણે રેગ્યુલર આપણે હપ્તા ભરીએ તો આપણને સરકારશ્રી તરફથી એની સબસિડી પણ મળતી હોય છે, જેથી કરીને આપણને ધંધા રોજગાર આપણે ખૂબ સારી રીતના કરી શકીએ અને આ વ્યાજના ચક્કરમાં આપણે ન પડીએ। વ્યાજનું ચક્કર એટલું મોટું હોય છે કે જો એકવાર આ વ્યાજના ચક્કરમાં પડી ગયા તો એ આત્મહત્યા સુધીની પણ એ વ્યક્તિ ત્યાં સુધીનું પણ એમાં એક્શન લઈ શકે છે, એટલે કરે એટલે આપણે આવી સરકારની જે પણ યોજના ચાલતી હોય એમાં આપણે લોન લઈએ અને રેગ્યુલર એમાં રેગ્યુલર આપણે રહીએ તો આપણને આગળ જતાં પણ એમાં વિવિધ યોજનાઓ જે ચાલે એમાં સરળતાથી લોનો મળી શકે છે।